हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताऊंगा मेट्रोपोल यानी पुशिंग फ्लैश वाल्व, उसका अंदर का जो स्प्लेंडर यानी काटेज आता है तो वो अगर बिगड़ जाता है, यानी झूना को आप निकाल के नया फिट करना चाहते हो तो उसको कैसे फिट करना है, इसके बारे में मैं अभी आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, ये दोनों झूना स्प्लेंडर है यानी अंदर का जो मेट्रोपोल का काटेज है वो है, तो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेट्रोपोल है और ये बिगड़ गया है, यानी इसको जब हम लोग पुश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बाहर निकल के नहीं आता है, ऐसा दबा हुआ रह जाता है, तो टॉप में कॉन्टिन्यूस पानी गिरता रहता है। तो इसको मैं रिपेयरिंग करूँगा, अभी आप लोग को डिटेल में दिखाऊँगा। इसका जो अंदर का जो काटेज है वो मैं आप लोग को ये झूना काटेज निकाल के नया काटेज फिट करके मैं अभी आप लोग को पानी बंद करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी ये जो मेट्रोपोल है इसका प्लेट को मैं खोलता हूँ। देखिए, ये जो पुश करता हूँ ये बराबर काम नहीं कर रहा है, ये पानी बंद नहीं होता है। अब मैं इसका प्लेट जो है यानी अपर पार्ट्स उसका उसको मैं ओपन कर लिया। देखिए, ये बॉक्स पाना से नहीं घूम रहा था, तो इसको मैं छेनिया थोड़ा से थोड़ा मार के इसको ढीला करता हूँ। ये झूना मैंने निकाल लिया। देखिए, ये जो लाल सा हुआ है ये इसका घाट थोड़ा खो गया है। अब देखिए, मैं झूना को झूना ये स्प्लेंडर है इसको कैसे ओपन करते हैं और फिट करते हैं ये लोग, ये सब मैं आप लोग को डिटेल में और एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसको अगर ऐसा फिट करना है तो ऐसा ये पहले डाल के फिर इसको डालते हैं ऐसा, फिर उसको डालने के बाद इसको ऐसा डाल देता हूँ तो ये फिट हो गया। अब टानोगे तो नहीं निकले। अब ये स्प्रिंग डाल के फिर इसका प्लास्टिक ऐसा घाट में
बैठा देना पड़ता है तब आके। दबा के इसको कार्ट में बैठा दिया। अब ये पूरा फिट हो गया। अब मैं इसको खोल के भी बता देता हूँ कैसे इसको खोलते हैं। देखिए इसको ये प्लास्टिक का ग्रिप को दबा के फिर इसको ऐसे निकाल लिया, फिर स्प्रिंग को निकाल लिया, फिर इसको आप देखिए इसको टाना तो निकल गया। देखिए ये जो मेरा हाथ है ये देखिए ये थोड़ा खो गया है, इसलिए ये बराबर काम नहीं करता है, यानी बंद नहीं होता है अपन इसका वजह से। देखिए ये दूसरा और एक स्प्लेंडर है, इसके भी देखिए ये खो गया है। घाट थोड़ा डैमेज। अब मैं आप लोग को नया जो कार्टेज है उसको फिट करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये नया है, नया लेके आया मैं, ये जगुआर का है। अब जगुआर का बोलोगे तो वो 1.5 का आता है, 100 का आता है, तो ये अपना जो मेट्रोपोल है 1.5 का है, 1.5 x 100 का है, तो इसीलिए 1.5 का कार्टेज है। देखिए खोल के देखिए पहले ये निकाल लेना पड़ता है। देखिए इसको जो है यहाँ पे इसका जो काट है एकदम बराबर इसको अंदर डाल के एक ग्रिप है इसको पहले बैठा देना पड़ता है अच्छे से, चारों बाजू गैप नहीं रहने चाहिए, सामान भाप से बैठा देना है इसको। फिर ये इसका मुंडी टाइट कर देता हूँ, पहले हाथ से टाइट करके फिर पाना से इसको टाइट कर देता हूँ। बॉक्स पाना है से इसको टाइट दे देता हूँ। देखिए इसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पहले इसमें बैठा के फिर इसमें डाल देता हूँ, फिर इसका घाट पे बैठा देता हूँ। देखिए बैठ गया, अभी निकलेगा नहीं। अब इसका जो प्लेट है तो प्लेट को फिट कर देता हूँ। देखिए अब पुश किया तो ये आराम से ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है, नहीं पानी बंद हो जाएगा इसमें।
ये प्लेट और आप नॉब इसका फिट कर दिया। अब देखिए पुश कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है। देखिए ऑटोमेटिक पानी बंद हो गया, यानी ये रिपेयरिंग फाइनल हो गया।